आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हो, आप लोग मोहब्बत की दुकान वाले लोग हो, तो आपको सब जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी है। इनका बाजार है नफरत का, उसके बीच में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद। जय हिंद। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग दिनेश चक्र ब्लॉग्स। फिर से आप सबको स्वागत करते हैं दिनेश चक्र ब्लॉग्स चैनल में। सो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब एकदम सुस्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोग देख पाएंगे, मैं एक्चुअली जा रहा हूँ सुंदरगढ़, और सुंदरगढ़ में आज आने वाले हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। तो सुंदरगढ़ एकदम से भरा हुआ है, भीड़ भड़का है। तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों, राहुल गांधी आज सुंदरगढ़ मिट्टी में पहली बार आ रहा है, तो उनका स्वागत किस तरह से किया जा रहा है, लोग कितने भीड़ हैं और वहां पे क्या हो रहा है, उसका नजारा आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, और वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर कमेंट करना। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। गरीब लोगों के खिलाफ, छोटे जो बिजनेस करते हैं उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। हर स्टेट में किसको, ये एक ही, हाँ आपने आपने बोलने से पहले ही बात पकड़ ली। ये जो भी किया जा रहा है अदानी और अंबानी के लिए किया जा रहा है। आप लोग देखिए, आप सुबह उठते हैं, आपने शर्ट खरीदी, किसी ने ये चश्मे खरीदे, फिल्म स्टार लग रहे हो आप बिल्कुल, तो ये खरीदे, आपने इसमें जीएसटी दी होगी, कितना दिया, 17-18% इस पे जीएसटी दी इन्होंने, और देश के सारे गरीब लोग रोज आज जो भी करो जीएसटी निकलती है आपके जेब से, शायद आपको पता भी नहीं लगे। गाड़ी में पेट्रोल भरा जीएसटी, खाना खाया जीएसटी, रेस्टोरेंट में गए जीएसटी, कपड़े खरीदे जीएसटी, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी आमदनी हजारों रुपए में, और जीएसटी एक जैसे देते हैं, और फिर आज के जीएसटी का पैसा सीधा उसके जेब में जाता है। तो आर्थिक अन्याय, रोजगार खत्म कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, और पब्लिक सेक्टर के सारे यूनिट प्राइवेटाइज करके अदानी जी के हवाले किए जाते हैं। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय हुआ। अब दूसरा सामाजिक न्याय, पिछड़ों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर। आज सुबह मुझे बताया किसी ने कि राहुल जी एक नई चीज चालू हुई है, ये हवा में ड्रोन उड़ रहे हैं, बहुत सारे ड्रोन उड़ रहे हैं। मैंने पूछा ये भैया क्यों उड़ रहे हैं, कहते हैं भैया ये सर्वे कर रहे हैं। मैंने कहा भाई सर्वे किस बात का, आदिवासियों ने मुझे कहा कि राहुल जी ये जो ड्रोन आ रहे हैं ना, ये हमारी जमीन चोरी करने के लिए यहां भेजे जा रहे हैं। ड्रोन आएगा, सर्वे करेगा, फिर आदिवासियों को बताया जाएगा भैया ये जो जमीन थी ना तुम्हारी, ये अब तुम्हारी नहीं है, ये अब अदानी की है, सब बेच दिया। अच्छा ठीक है भैया बेच दिया, मगर फिर कॉम्पनसेशन नहीं थी, मतलब उनको जो उनका था उनसे छीन लिया, उनको ना नौकरी दी
ना कॉम्पनसेशन दिया और फिर कहते भैया देश का बहुत विकास हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? ये बीजेडी और बीजेपी मिलके कर रहे हैं। तो आप देखिए बीजेपी बीजेडी मतलब पहले तो अक्षर तो एक ही है, बस डी और पी फर्क है। तो ये दोनों भाई भाई नहीं भैया, ये पार्टनरशिप चल रही है, बिजनेस पार्टनरशिप होती है ना, ये वो चल रही है। वहां पे आपके चीफ मिनिस्टर मोदी को मदद करते हैं, यहां पे मोदी आपके चीफ मिनिस्टर की मदद करते हैं। और लड़ाई किससे दोनों करते हैं? कांग्रेस से। मोदी जी 24 घंटा भाषण देते हैं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी, ये बीजेडी वाले 24 घंटा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। क्यों? क्योंकि हम इनसे लड़ते हैं। तो ये मैं आपसे बताना चाह रहा था, अन्याय हो रहा है आर्थिक सामाजिक, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। पार्टनरशिप चल रही है बीजेपी की बीजेडी की, और पूरा का पूरा फायदा बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। आप जानते हो कि ओडिशा में से 30 लाख लोग बाकी प्रदेशों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, जानते हो ये? 30 लाख लोग ओडिशा को छोड़ के गए हैं और बाकी प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं, भूखे हैं। और वो 30 लाख यहां से गए और 30 अरबपति बाहर से यहां आए, जो आपकी जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों का जल, आदिवासियों का जंगल, जो भी आपका है वो 30 लोग उठा के आपसे ले रहे हैं। करवा कौन रहा है? बीजेडी और बीजेपी। तो ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था, आप लोग नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हो, आप लोग मोहब्बत की दुकान वाले लोग हो। तो आपको सब जगह मोहब्बत की दुकान खोलनी है, इनका बाजार है नफरत का, उसके बीच में जाके मोहब्बत की दुकान खोलिए। धन्यवाद। जय हिंद।